अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मेरीन राहील, आपके फेवरेट प्रोग्राम हरी मिर्चों के साथ। और ये हैं, ओह मैं नहीं हूँ, यानी आपके सख्त नापसंदीदा होस्ट इस वक्त क्या नहीं है। हाउ नाइस, आज प्रोग्राम में अकेले करूंगी। ये आप कुछ फरमा रही थी? हाँ, मैं फरमा रही थी कि आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है IMF। अगर तुम IMF तो फिर मैं IMM। IMM? IMM वो होता है जो IMF नहीं होता। यानी कि तुमने कहा कि आई एम फीमेल, तो मैंने कहा कि आई एम मेल। मैं समझी किसी राइफल का नाम है। चलो, बहुत ही नेगेटिव सोच है तुम्हारी। ओह आई सी, तुम्हारी ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, इसकी वजह से हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फजूल बातें मत करो, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये फजूल बातों का जो आगाज है वो फजूल टॉपिक से हुआ है। मतलब तुम क्या खवातीन की अलमबरदारी कर रही हो ये IMF करके? तो अगर तुम खवातीन की अलमबरदारी करोगी तो मेरी मर्दाना गैरत भी जो है वो जोश मार जाएगी। इसलिए आज का टॉपिक होगा IMM। तुम्हें IMF का मतलब पता? नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आलमी मालियाती फंड। देखा, ये औरतें तो बनी पैसे की होती हैं, हर वक्त फरमाइशें। अच्छा, तो इस वक्त फजूल बहस कौन कर रहा है? इस वक्त जो बात कर रहा है वो तो कोई फजूल बात नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म है। अच्छा, तो कौन बात कर रहा है? मैं। हाँ, और जो इस वक्त बात कर रहा है उसके पास दो दिमाग हैं, और तुम्हें पता है दो दिमाग किसके पास होते हैं? किसके पास? मंकी। नहीं, मैं नहीं। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, जवाद की जबान के तोते उड़ चुके हैं। शो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि जवाद। एक मिनट, तो मैं भी शो को आगे बढ़ाती हूँ? मैं क्या बेहोश हुआ हूँ? होश में हूँ मैं बिल्कुल। नहीं, आप थोड़ी देर पहले एक कदर जवाद थे और आपकी सीटी गुम हो गई, उसके बाद फिर आप। सीटी गुम होती है मुझे देखकर हसीनाओं की, लेकिन फिर भी क्या करूं, कभी गुरूर नहीं किया। वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे IMF के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ IMF के बारे में। IMF जो है वो एक बैनुल-अक़वामी फकीर मार का इदारा है। फकीर मार का? You mean beggars? बिल्कुल। अच्छा, तो IMF के बारे में और क्या जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। oh, no. अभी करो थोड़ा इंतजार। इसको कुछ हो गया है मुझे लगता है। एक मिनट, मेरा ख्याल है कि हमने काफी आपस में बहस कर ली है, हमारे शायर हज़रात बैठे हुए वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि हमें तारुफ करा देना चाहिए अपने शायर साहब का। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे दो शायर हज़रात, जिनमें से एक हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, और डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं मेरे फेवरेट, हमारे फेवरेट, मेरे फेवरेट, अच्छा, महरीन के फेवरेट ज़ाहिद फखरी साहब। तो नाज़रीन, आइए इनसे पूछते हैं, शायर हजरात से, कि इनका IMF के बारे में क्या ख्याल है। जी फखरी साहब। IMF है साहूकार, हम हैं इसके ताबेदार। वाजी वाह। IMF है साहूकार, हम हैं इसके ताबेदार, हम झोली फैलाने वाले, उनका बख्शा खाने वाले, उनके नाम पे मरने वाले, गैरों को खुश करने वाले, अमरीका है अपना यार, जो ना माने वो गद्दार। बहुत अच्छे। गिरवी रख दी इज्जत अपनी, लानत बन गई गुर्बत अपनी, दुनिया भर से कर्जे लेकर खो दी हमने इज्जत अपनी। और बढ़ के लीडर की बेकार, सब झूठे हैं सब मक्कार, IMF है साहूकार। आओ इस दलदल से निकले, आओ इस दलदल से निकले, मिलकर इस चुंगल से निकले। वाह। आओ इस दलदल से निकले, मिलकर इस चुंगल से निकले, तोड़े ये कशकोले गदाई, रोने वाले कल से निकले, जज्बे बन जाए पतवार, जाना है दरिया के पार, IMF है साहूकार। बहुत अच्छे, बहुत आला। और आखिरी बंद है कि अपने मन को समझा लेंगे,
अपने मन को समझा लेंगे, रूखा सूखा ही खा लेंगे। अपने मन को समझा लेंगे, रूखा सूखा ही खा लेंगे। जितना गुड़ है पास हमारे, उतना ही अब गुड़ डालेंगे। कहलाएंगे इज्जतदार, आईएमएफ को छोड़ो यार। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर इनाम साहब, आप भी आईएमएफ के बारे में कुछ अर्ज करना चाहेंगे? जी जी, मैं बहुत कुछ अर्ज करना चाहूंगा। हमारा जो हुक्मरान आता है वो एक बयान देता है। मसलन एक हुक्मरान ने बयान दिया कि आज से हमने कशकोल तोड़ दिया। अच्छा, तो हमने समझ लिया कि कशकोल तोड़ दिया लेकिन परात पकड़ ली। सही बात कही आपने, बिल्कुल इसके लिए तालियां। एक और हुक्मरान आया, उसने कहा जी आज के बाद हमने झोली फैलानी छोड़ दी। तो हमें समझ लगी कि झोली फैलानी छोड़ दी, झोला पकड़ ली, चादर बिछा दी। उससे मैंने अर्ज किया एक कथा, उसका नाम है आईएमएफ, कि इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया। ये तो उस जहाज की बात कर रहे हैं जिसमें मैं पिछले दिनों थी। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर हैंड कर गया है। और वैसे ही आईएमएफ अब कर रहा है हमसे जो 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया। हाँ, तो बैंकार की महबूबा के आंख जमा लब जरब गाल बटा तिल। बहुत अच्छा। आंख जमा लब जरब गाल बटा तिल, और जुल्फ जमा कद जरब चाल बटा दिल। और कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल, और हुस्न जमा वसल डैश नील बटा नील। पांच बजे किस्सा बराबर कर दिया। एक और कथा अर्ज करता हूँ, इसका उन्वान है माली बदहवासी और जरे मुबालगा। माली बदहवासी और जरे मुबालगा। पूछते हो किस्सा क्या अपनी बदहवासी का, पूछते हो किस्सा क्या अपनी बदहवासी का। मुल्क को दबाया है यूं उधार के नीचे, पूछते हो किस्सा क्या अपनी बदहवासी का। मुल्क को दबाया है यूं उधार के नीचे, बारिशों की शिद्दत से भाग कर कोई जैसे आ खड़ा हो सीधा ही आबशार के नीचे। और वो आईएमएफ का थोड़ा सा मैं सुन रहा था कि फीमेल और मेल का जिक्र हो रहा था, तो एक और भी इसका कनोटेशन है कि आईएमएफ से आई एम फूल भी कह सकते हैं। oh, तो लेकिन इसलिए मैंने एक कथा कहा है इसी तरह, वो जो हर रोज आती जाती है, इसको मुअन्नस बांधा है, वो जो हर रोज आती जाती है मसाला सारा माली आती है। वो जो हर रोज आती जाती है मसाला सारा माली आती है। नाम तो उसका आईएमएफ है, नाम तो उसका आईएमएफ है, फूल हमको मगर बनाती है। नाम जवाब, मुझे बहुत भूख लग गई एकदम से। जी तो नाजरीन, मुझे और मेहरीन को बहुत भूख लग गई है। हाँ, तो मेरा ख्याल है खरबूजे खाना और मैं बिरयानी खाऊंगी। हाँ चलें, हमारी तो डील हो गई है कि हमने क्या क्या खाना है, तो आप भी जाके कुछ खाइए। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। मेरीन, अगर आपका सांस बहाल हो गया है तो हम कुछ आगे चलें। तुम आईएमएफ के कर्जों की तरह कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ते जा रहे। ओए, मैं कब से खवातीन का कर्जदार हो गया? तुम सारा वक्त खवातीन के ऊपर जुमले कसते रहते हो, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता। मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ कि मैं कसता रहूं। ऑफ कोर्स तुम प्लम्बर नहीं हो जो कि कसते रहो, तुम एक पेचकस हो, क्योंकि पेचकस के पास सिर्फ एक दमा होता है, प्लम्बर मे बी अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट। देखो मेरीन, देखो 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 देखो,
हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? की हाल चाल है? वी आर फाइन, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये आप एक फिकरा दो मरतबा क्यों बोलता? सर आप ये एक फिकरा दो बार क्यों बोलते हैं? हम अंग्रेज हैं, हम कुछ भी बोल सकता, तुम मामा लगता। इसको तो मामे का भी पता है। और मामे को मेरा पता है? मेरा ख्याल है उसको पता ही होगा। भाई आप ये बताएं, आप आए किधर से हैं? छीछा वतनी से। आपको मेरे हुलिये से नहीं पता चलता कि हम अंग्रेज हैं? अगर कोई अंग्रेज है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका से ही आया होगा। और इधर क्या लेने आया होगा? तस्वीरें। मेरा मतलब है कि मैं इधर सैर सपाटे के वास्ते आया, मैं इधर देखने आया कि लोगों का रहन सहन क्या है, इनका खाना पीना क्या है, ये किस तरह सोता है, ये ऊपर ब्लैंकेट लेता है या खेस। नहीं तो excuse me, आप पाकिस्तान आए तो आप कहाँ कहाँ फिरे, क्या क्या खाया, किस किस से मिले, किस किस को देखा, क्या क्या देखा? आपको पाकिस्तान अच्छा लगा? Oh yes, मैं इधर एक 7-स्टार होटल में ठहरा। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं जब उठा तो मैंने देखा पाकिस्तान में कोई नहीं उठा हुआ था। एवरीबॉडी वाज स्लीपिंग। मैंने उधर से चिंगची लिया और सीधा ग्वाल मंडा आया। उधर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, पहले मैंने फुट खाया फिर लेग खाया। ओ यस, आप समझा नहीं होगा। मैंने उधर से सीरी पाया खाया। और क्या खाया? और ख्वाबों, वो सीखों वाला ख्वाब खाया। उधर से मैंने खीर खाया, उधर से मैंने लस्सा पिया, और उसके बाद मैंने नाना खाया। लो कर लो गल, ये तो नाना भी खा गए। अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? वेरी फाइन, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। इनकी जान भी ले लो तो पैसे लेके माफ कर देता। मेरा मतलब है कि इधर का लोग मुझको बहुत पसंद आया। खास तौर पर लोग यहाँ हर घंटे के बाद हैप्पी होता और हर घंटे के बाद दुखी होता। इसका क्या मतलब? जब यहाँ लाइट आ जाता तो लोग खुशी से कहता, ओ बिजली आ गई मैदान में है जमालो, ओ बिजली आ गई मैदान में है जमालो। लुडियां डालता, झूमर मारता, और जब लाइट चला जाता दुखी हो जाता, घर से बाहर आ जाता, थड़ों पे बैठ जाता, फिर एक दूसरे की चुगलियां करता। और खास तौर पर हमको इधर के खंभों का वायरिंग बहुत पसंद आया। अच्छा? क्या सिस्टम है, तारों के गुच्छे बने हुए हैं। अगर यहाँ किसी का लाइट खराब हो जाता तो इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाता, थले रोड़ा चौक के मारता, बिजली आ जाता। Yes, it's very funny. पता नहीं कहाँ का अंग्रेज है ये, मुझे तो लगता है एयरपोर्ट से सीधा शेराकोट ही उतर गया। सुनो तुम चुप करो, मुझे पूछने दो। अच्छा मुझे बताइए कि आपके पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे मुल्क के बारे में? यहाँ का लोग वेरी फनी, बहुत मजाया लोग है। मैं उधर से आ रहा था, एक ठेले वाले से मैंने कहा भाई एक अमरूद दो जस्ट फॉर टेस्ट। उसने मुझको अमरूद दिया, मैंने उसको काटा, उसमें कीड़ा सीधा खड़ा हुआ था और डांस कर रहा था, माय नेम इज शीला, शीला की जवान। आर यू श्योर ये अमरूद जो था ये इंडिया से नहीं इंपोर्ट हुआ हुआ? तो हमने ठेले वाले से शिकायत किया, मैंने कहा इसमें कीड़ा है। आगे से वो शर्मिंदा नहीं हुआ। अच्छा। मुझे कहने लगा भाई ये तुम्हारी किस्मत है, वरना इससे पहले जो बंदे ने अमरूद खाया उसमें से ऊंट निकला। ये अजी वेरी फनी लोग। अभी मैंने देखा एक जनाजा जा रहा था, लोग उसका चेहरा देखने के लिए रुक गया। एक बंदा कहने लगा कि बहुत नेक आदमी है, चेहरे पे नूर है, भाई इसको सफेद कफन बहुत अच्छा लग रहा है। साथ एक आदमी बोला कि अगर थिल्ले वाला खुस्सा पहना होता तो और अच्छा लगता। यहाँ की पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अच्छा। इनको पता होता कि जो चोर वारदात करेगा उसका माँ का नाम क्या है, उसका बाप का नाम क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसको पकड़ता नहीं, पूछ क्यों क्यों
क्योंकि उनको पता होता कि किसी बड़े मिनिस्टर का टेलीफोन आएगा, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा और शर्मिंदगी होगा। आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा? I'm sorry about that. मुझको बहुत दुख हुआ। क्यों? इधर गरीब बिल्कुल गरीब, अमीर बहुत अमीर, और खास तौर पे सियासतदान बहुत अमीर। Suddenly I was going through the Mall Road. मैंने देखा कि वहां से एक मिनिस्टर ने गुजरना था। 2 घंटे पहले ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तो बहुत वक्त है। कुछ देर गुजरा तो मैंने देखा एक मिनिस्टर, उसके 25 गाड़ियां आगे, 25 गाड़ियां पीछे, इतना प्रोटोकॉल। अभी मिनिस्टर ने पुल के नीचे से गुजरना था और पुल के ऊपर वाला ट्रैफिक भी बंद। हमने ये सोचा कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट भी इतना प्रोटोकॉल नहीं लेता जितना यहाँ का मिनिस्टर लेता। बिल्कुल। अब हमको समझ आया कि तुम हमसे कर्जा क्यों मांगता। ओ भाई, हमने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया। झूठ बोलता। तुम हमसे कर्जा मांगता, बल्कि इस मुल्क का एक एक फर्ज हमारा कर्जदार, बल्कि पैदा होने वाला बच्चा भी हमारा कर्जदार। कहीं ये बंदा IMF वालों ने तो नहीं भेजा? देखे जनाब, असल में बात यह है कि कर्जा हमने तो नहीं लिया ना आपसे, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि हम जो है ना अभी तरक्की पजीर मुल्क हैं, यहाँ सड़कें बननी होती हैं, बिल्डिंगें बननी होती हैं, बड़ा कुछ स्कूल हॉस्पिटल बनने होते हैं, बड़ा कुछ होना होता है। आज सड़कों की जहाँ तक बात है, मैंने आपकी सारी सड़कें देखी, बननी त्रुटि हुई है। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टरों का हड़ताल है, उधर बिजली नहीं आता, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ऑपरेशन करना होता, पथरी बनना होता, आपके पास तो वो भी नहीं है। स्कूलों के अंदर टाट है, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है, और जो मास्टर है वो बजाय पढ़ाने के बच्चों से अपने घर के काम करवाता, इसलिए हमसे झूठ मत बोलो। देखा? देखा? इन बातों का हमें नहीं पता। आपको पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह हुकूमत का लोग आपको बताता भी नहीं कि कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता। आवाम को इस बात का शऊर ही नहीं है। हम बताते ये कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता। कहाँ इस्तेमाल? ये जो मिनिस्टर लोग है, सियासतदान लोग है, इनका बड़ा बड़ा कोचियां होता, उसमें 40-40 मुलाजिम होता, 20-20 गाड़ियां होता। इनका बच्चा लोग बाहर के मुल्क में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ता, उधर बहुत बहुत फीस होता, फिर इन सियासतदानों के बहुत सारे चेले छपाते होता, ये सब कुछ, ये सारा पैसा उनको पालने के काम आता। मुझे लगता है कि ये हमें भी पकड़वाएंगे। भाई, मुझे आपकी बातों की समझ आ गई है, बस इतना बता दें कि जाने का क्या लेंगे। हम जाने का कुछ नहीं लेता, हम तो जाने का भी पैसा देता और आने का भी पैसा देता, हम कुछ न कुछ दे के जाता। तुमको मुबारक हो, हम तुमको अपनी भांजी का रिश्ता दे के जाता। पूछो क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अगली नस्ल हमारी हो जाएगा। इसको तो फटेगी, तुम्हें तो फटेगी। ला 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 ला। अब मुझे तुम्हें नहीं मानना पड़ेगा, तुम घर जाके पिसोगे। रिश्ता ही दे गया है। नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, मैंने कोई नहीं रिश्ता करना। और मेरा ख्याल है बड़ी सच्ची सच्ची बातें करके दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लड़ाए। भाभी तुम्हें खूब पीटेगी आज, मुझे मानने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है की नाजरीन ख्याल ही आते रहते हैं। मेरा ख्याल है की हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और आप ब्रेक पे जाइए और मैं आपकी भाभी से पिटता हूँ जाके। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम एक दफा फिर आ चुके हैं और बात हो रही थी बहुत ज्यादा IMF और उससे कर्जों के बारे में, लेकिन ये बात तो चलती रहेगी। आपको पता है कि हम हमेशा आपकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और आपके बहुत ही मंजूर नजर किस्म के गेस्ट से करवाते हैं। तो मेरीन, आज हमारे साथ कौन है गेस्ट? आज हमारे साथ जो गेस्ट है, she's a very, very strong politician. ये लॉयर भी है और ये ऐसी खातून है जो कि डरती नहीं है अपने अंदर की आवाज से, अपनी बिलीफ से और उनको कह देने से। तो प्लीज वेलकम शर्मिला फारूकी।
जी अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। तो हमें आपसे कोई डरने की जरूरत तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, फिलहाल नहीं, यानी कि आगे जाके हो सकती है? बिल्कुल, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओहो, मैं बड़ा आपसे प्यारा सा सवाल करने लगा था, मैं डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा। देखो, मेकअप रूम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आई वॉज वेरी इम्प्रेस कि इनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियन एंड पॉलिश्ड पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी, ना मैं किसी से मिली। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू यू, थैंक यू। अल्लाह करे अब डरना ना पड़े। तो बात मैं करना चाह रहा था कि आपका इतना प्यारा नाम है शर्मिला, बहुत प्यारा नाम है, तो ये क्या कोई शर्मिला टैगोर से इंस्पायर होके कोई? एब्सोल्युटली है, सीरियसली? हां, ओह यस। अच्छा, माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ शर्मिला टैगोर। अच्छा, वो है इतनी खूबसूरत, तो कौन उनसे इंस्पायर नहीं होगा, कौन उनसे, यू नो, हु नॉट लाइक हर। शर्मिला फारूकी भी अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। अच्छा, ज्यादा नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, यही मौका होता है नंबर बनाने का, आपको समझ बनाए जाओ नंबर मेरे ख्याल से। पहला सवाल, अच्छा आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके बाद एक राउंड होगा, उसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपसे सवाल भी दोबारा पूछेंगे और उसमें आपने एक एक लाइन में जवाब देने होंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल जो है शर्मिला जी से, वो है, अगर IMF ना हो तो सियासतदानों में कितने फीसद कमी हो जाएगी? 50%। क्यों कह रही हैं आप ये? इसकी चंद वजूहात हैं जो मेरे ख्याल इस प्रोग्राम में ना बयान की जाए तो बेहतर है। वो एक आधी कर दें प्रोग्राम के बाद, एक आधी कर दें तो प्रोग्राम इतना सा हो जाएगा अगर आपने कुछ भी ना कुछ भी ना कहा तो। 50% सियासतदान कर्जों पे होते हैं ना। अच्छा, ओके, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपको वजीर आजम बना दिया जाए और आप IMF से कर्जे ना लें? और अगर आप IMF से कर्जे भी नहीं लेंगी तो फिर क्या करेंगी आप? अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है, वैसे आप बनना चाहती हैं वजीर आजम? एब्सोल्युटली। अच्छा, चलें आपको बना दिया वजीर आजम, बना दिया, तो ऐसा मुमकिन है मैं IMF से कर्जे ना लूं? मैं नहीं चाहता तो मैं जी, फिर सब पे टैक्स लगा दूंगी, फिर वो भी आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। अच्छा, तो टैक्स तो देता नहीं है कोई। अच्छा, ये तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि इनको ना ही बनाए वजीर आजम, टैक्स देना पड़ेगा मुझे, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। टैक्स नहीं देते क्या यार? देखो, है, मैं टैक्स देता हूँ 2001 से दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, जाके चेक कर लें जिसने करना है, आप अपना सवाल चलो जाके चेक करते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप IMF यू वांट अ पार्ट ऑफ इट, तो आप क्या कर रही होती? अगर मैं IMF की पार्ट नहीं होती, मैं IMF की पार्ट, मैं वो वाली सियासतदान नहीं हूँ जो IMF के कर्जों पे चलती हूँ। अच्छा, ये आप अपने आप को बचा रही हैं या ये आप वाकई कह रही हैं? नहीं, मैं वाकई कह रही हूँ, हकीकतन कह रही हूँ। अच्छा, हकीकतन कह रही हैं। आपके नजदीक IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड व्हिच फंड्स द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। एंड डू यू थिंक द पॉलिटिशियंस आर यूजिंग दीज फंड्स वाइजली और दे आर बेसिकली टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड इन योर ओपिनियन, कोट अनकोट शर्मिला फारूकी? मेरे ख्याल उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ कहूंगी तो पार्टी से निकाल देंगे। ओहो, ये तो बड़ी दुखी बात है नाजरीन के। चलें, खैर आगे चलते हैं। आप अपने सियासी करियर में आपने कोई ऐसा काम किया जिस पे आप बहुत फख्र कर सकती हो कि ओ ये मैंने बड़ा तीर चला दिया? मेरा ख्याल है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मेरी जो इंटरेक्शन रहती है लोगों से, जो आम पब्लिक से रहती है, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। जिस तरह आपने कहा कि आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, तो जब इस किस्म की अप्रिसिएशन आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आई थिंक दिस इज माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। क्या आपने पब्लिक रिलेशनिंग में ये अचीवमेंट मास्टर नहीं किया हुआ? इट्स जस्ट कि मुझे लोगों से मिलने का शौक है, बात करने का शौक है, और पीपल। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिशियन होने का सबसे मुश्किल बात क्या है और सबसे आसान बात क्या है? Being a woman, आप constantly public eye में, और अगर आप एक खातून पॉलिटिशियन है तो आप यू आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, आप पे हर चीज पे क्रिटिसिज्म होती है। सबसे ज्यादा, सबसे बुरा क्रिटिसिज्म जिसे कहेंगे, आपने क्या फेस किया है अभी तक? दैट आई एम हियर इन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ माय लुक्स। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू एवर हर्ड अबाउट योरसेल्फ? यू हैव ब्रेन्स टू। वेल, आई सेड दैट टुडे। अच्छा, ये बताएं कि IMF जो है उसके होते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम कभी खुद मुख्तार हो सकती है? IMF के होते हुए तो नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन अगर IMF से छुटकारा पाना है तो फिर वही है, आपको टैक्स देना है, आपको अपना इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना है। अच्छा। आपको ऐसे बहुत सारे काम करने जो हमारी पाकिस्तानी कौम करना नहीं चाहती। अगर आपको सरबराह बनाया जाए मुल्क का, तो एक सबसे पहला कदम टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री आप क्या उठाएंगे? I'll fire the entire bureaucracy.
एंड उसके रेप्रिकॉशंस के साथ आप किस तरह डील करेंगे? वो देखा जाएगा जी, एक दिन में सबकी छुट्टी। सारा गंद साफ, काफी वैशी ड्रामा, यानी बड़े से वैक्यूम क्लीनर लेकर आप सब पर समेट लिए कहेंगे नाउ। काफी वैशी अजायम है आपके, ये कहना चाहूंगा। अच्छा शर्मिला, अगर वैसे तो आप पॉलिटिशियन है, आपका तो ये काम नहीं है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि आपने ये हमारा शो जो है हरी मिर्चें, इसको होस्ट करना है, तो आप कैसे इसको ओपन करेंगी? ये वाकई मेरा काम नहीं है। नहीं, आपका काम नहीं है, लेकिन वैसे मैंने हरे हरे कपड़े पहने हैं तो ओपन करना है। हाँ जी, नाजरीन ये देखते हैं आज का नया एपिसोड हरे हरे कपड़ों में हरी मिर्ची के साथ। फखरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ताजा कलाम से हमें नवाजे। फखरी साहब जी, मैंने संवरना चाहा था लेकिन बिगड़ गया, मैंने संवरना चाहा था लेकिन बिगड़ गया, मैं आईने को देख के गैरत से मर गया। शर्मिंदा हूँ मैं कायदे आजम के सामने, कैसे कहूँ कि कौम का क्या क्या बिखर गया। शर्मिंदा हूँ मैं कायदे आजम के सामने, कैसे कहूँ कि कौम का क्या क्या बिखर गया। अज़्मो अमल की रोशनी गफलत ने चाट ली, अज़्मो अमल की रोशनी गफलत ने चाट ली, चूहा हवस का गैरते कौमी कुतर गया। अजमो अमल की रोशनी गफलत ने चाट ली, चूहा हवस का गैरते कौमी कुतर गया, देकर अनाज उसने हमें अपना कर लिया, हम उसके हो गए तो वो हमसे मुकर गया। देकर अनाज उसने हमें अपना कर लिया, हम उसके हो गए तो वो हमसे मुकर गया, सिक्कों के साथ या डॉलर के साथ जिल्लतें कासे में आ गिरी, डॉलर के साथ जिल्लतें कासे में आ गिरी, इज्जत का हर सड़क से जनाजा गुजर गया, इज्जत का हर सड़क से जनाजा गुजर गया, अब और जाने कितने जमाने हैं बोझ के, ये कौम कब सुनेगी कि कर्जा उतर गया। इसी के साथ साथ मैं बोलूंगी। जी जी, आप बोल लें, आप बोल लें, आप बोल लें। इसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं ना जाएगा, वी हैव द ब्यूटीफुल शर्मिला फारूकी विद अस, सी यू इन अ बिट। जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे साथ नाजरीन शर्मिला मौजूद हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो शर्मीले लोग होते हैं उनका क्या स्कोप है सियासत में? शर्मा सी गई हैं आप इस बात पे वैसे। मैंने आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, ये सवाल इनफैक्ट जब मुझे बताया गया कि आप हमारे शो पे आ रही तो इट केम इनटू माय हेड। आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आपके नाना, आपके दादा, और आप लॉ स्कूल गई हुई हैं, तो आपने ज़िंदगी में कभी, लेट्स से 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी? और अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगी तो आपने अपने आप को किस, मतलब किस तरह देखा था कि मैं किस तरह, होता ना कि बच्चों को होता है कि मैं ये काम करूँगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं वो काम करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, हाउ डिड यू एक्चुअली कंसीव योर सेल्फ, परसीव योर सेल्फ एज अ पॉलिटिशियन? I never perceived myself as a politician. That was not in my mind. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सियासतदान बनूंगी, मुझे नहीं पता था सियासत क्या होती है, सियासतदान कौन होता है। मैं चाहती थी कि मैं एक वकील बनूं, जो मैं बन गई, और लेकिन अब क्योंकि सियासत में हूं तो अच्छा नाम कमाना चाहती हूं। कुछ आप कहना चाहेंगी अपने व्यूअर्स वगैरह को, अपने फैंस को, कोई पैगाम देना चाहें आप? और साथ इनसे ये भी पूछें कि आप हुकूमत में कराची के हालात कब ठीक होंगे? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह पूरे मुल्क के हालात बहुत जल्द बहुत बेहतर होंगे, सिर्फ हमें मुत्तहद होना है और एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, लेकिन जो बावकार कौमें होती हैं मुश्किल वक्त से हमेशा बखूबी निकल आती हैं। सर बुलंद रखिए, ऑब्वियसली बिल्कुल। मेरा क्या आप नहीं समझती कि ये झूठ का दौर अब खत्म होने वाला है? झूठ कहाँ नहीं है जनाब, झूठ यहाँ तो बहुत ज्यादा है, ना घर की तख्ती सच बोलती है, ना कब्र का कतबा सच बोलता है। ये तो मेरे ख्याल है अगर हम सब अपने अपने गिरबान में झांक के देखें और अपने इस्लाह शुरू करें अपने घर से तो बहुत बेहतरी आएगी। जब आवाम ने तो शुरू कर रखा है, सियासतदान भी तो अपने घर से शुरू करें।
मैं कहती हूँ टैक्स दे ना वो सब टैक्स दे तो 18 करोड़ आवाम में से 1400 पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सिर्फ इस मुल्क की तबाही का बायस नहीं है, इस मुल्क की तबाही के पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा किरदार रहा है। लेकिन माजी में ना तो आप जहती इज बेसिकली समथिंग व्हिच वी ऑल आप एक अच्छी सोच रखती हैं। मैं समझती हूं एक क्रिकेट मैच हमें मुत्तहद कर देता है, तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही हम मुत्तहद क्यों नहीं हो जाते। ये वही पुरानी कहावत है ना, वो जो एक ज़ईफ आदमी होते हैं उनके पांच बेटे होते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं, वही वाली कहावत है, टुगेदर वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। कमिंग टू में बरकत है और मेरा ख्याल है कि अब वक्त हो गया है रैपिड फायर। यस एक और दफा फाइनली माने से क्या रैपिड फायर शुरू करें, रैपिड फायर शुरू करें। अच्छा पसंदीदा अदाकार रीमा, पसंदीदा सिंगर रहीम शाह, पसंदीदा खाना बिरयानी, शख्सियत नेल्सन मंडेला, वेल डन माइंड टू, पसंदीदा शेर अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद तुझको क्या दिलाएं तेरा पैमा जाना। फेवरेट राइटर, फेवरेट राइटर तो बहुत सारे हैं, कोई एक मुझे ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद है, क्वीन नूर ऑफ जॉर्डन की ऑटोबायोग्राफी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके पसंदीदा गाड़ी मर्सिडीज, पसंदीदा नाम शर्मिला, पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान, पसंदीदा शख्सियत एज एन पॉलिटिशियन हाँ बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, पसंदीदा मौसम सर्दी, मगर कराची में तो सर्दी नहीं होती इसीलिए तो पसंद है जो कि नहीं होती वो चाहिए सर्दी। लाहौर में भी बहुत गर्मी है और कराची में भी बहुत गर्मी, बिल्कुल बिल्कुल। पसंदीदा खुशबू गुलाब, फेवरेट शहर कराची, कराची क्यों पसंद है आपको कराची? कराची आइट नहीं ये तो कोई वजह नहीं है, बस वजह है अच्छा? मेरे लिए वजह है काफी वा, 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 मैं कराची में पली बड़ी हूं, क्या सबसे पैदा हुई हूं। सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है कराची की? कोई तो एक चीज होगी ना जो बड़ा मजा आता है। कराची नेवर स्लीप्स, लाहौर नेवर स्लीप्स टू। हां आप तो कहेंगी लेकिन पाकिस्तान इज ऑलवेज वेरी वाइब्रेंट। मैं तो कहूंगी हमारा पूरा मुल्क जो है ना वो बेसिकली इट्स फुल ऑफ एनर्जी। बिल्कुल शर्मिया जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। जवाब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी यही कहना चाहूंगा जो आपने कहा क्या बात की वैसे मैंने कुछ स्पेशल कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिया जी। और नाजरीन जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे अजीम शायर डॉक्टर इनामुल हक साहब मौजूद हैं, तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ हमारी नजर करें प्लीज डॉक्टर साहब। एक नज़म पेश करता हूँ, उनवान है इसका मरीज़ और मसीहा। उनवान तो ये है लेकिन ये हमारा एक सर्कल है पूरा कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से चल रहे हैं। तो अर्ज़ किया है कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊँ कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाजिके जमा लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। और नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, वाह वाह वाह, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से नज़ला बमा जुकाम, सो छोड़ कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मतब पे गए हैं अभी अभी, वो आपके मतब पे गए हैं अभी अभी, होता है इस तरह भी जहां में कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो सारा वक्त हंसी आती रहे। मेरा ख्याल है प्रोग्राम की क्लोजिंग आप कर देंगी या मैं घर जाऊँ? घर चले जाओ, मैं कुछ खुद कर लेती हूँ। हाँ तो कर लो। हाँ नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ घर। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम, इतने शौक खड़े हो जाओ यहाँ पे दो मिनट। अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा और पसंद किया, हमें ईमेल जरूर लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। ये नाजरीन मेरी लाइन थी फीडबैक वाली, ये चोरी की है? जी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, खुद तो अभी कह रहा था मैं घर जा रही हूँ ऊपर से। अच्छा ओके ओके, मुझे देर हो रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुदा हाफिज़।